स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। तो हमारे चैनल पे आपको मिलती है स्टेट गवर्नमेंट अपडेट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपडेट, जॉब अलर्ट। तो इस सब चीज़ के लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो ये जो लेटर है वो जारी हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर की तरफ से नियोजित शिक्षक को लेकर के ये लेटर जारी हुआ है। प्रेसर डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्र, DPO स्थापना मुजफ्फरपुर, सेवा में विद्यालय अपर निरीक्षक नगर क्षेत्र सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर। सब्जेक्ट यानी विषय स्थानीय निकाय के अंतर्गत सभी कोटि के शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में आज ही के डेट में है ये 29/1/2024। महाशय उपयुक्त विषय अंकित करना है कि प्रखंड पंचायत नगर शिक्षक नियोजन इकाई अंतर्गत नियोजन एवं कार्यरत शिक्षकों का विभाग द्वारा सक्षमता परीक्षा ली जानी है। इसके लिए सभी प्रखंड अंतर्गत वैध रूप से कार्यरत शिक्षकों की सूची की आवश्यकता है जिसका कारण विवरण निम्नवत है। मतलब सक्षमता परीक्षा के को लेकर के ये लेटर जारी हुआ है कि जो भी टीचर हैं नियोजित, जो प्रखंड हैं, पंचायत में हैं या नगर हैं, उन सबका डिटेल देना है। डिटेल ऐसे देना है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है। वैसे नियोजित शिक्षक जो नियोजन इकाई द्वारा वैध रूप से कार्यरत हैं तथा दिसंबर माह का वेतन भुगतान प्राप्त कर चुके हैं एवं उनके विरुद्ध प्राधिकार न्यायालय में मामला लंबित नहीं है। सेकंड, वैसे नियोजित शिक्षक जो नियमित वेतन भुगतान प्राप्त कर रहे हैं एवं उनके विरुद्ध अपीलीय प्राधिकार न्यायालय में मामला लंबित है। थर्ड, वैसे शिक्षक जो अपीलीय प्राधिकार अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में नियुक्त होकर नियमित रूप से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं। फोर्थ, वैसे शिक्षक जिन पर विभागीय कार्रवाई लंबित है अथवा प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रियाधीन है एवं वेतन भुगतान बाधित है, अतः आपको आदेश दिया जाता है कि उपयुक्त सूची 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो सक्षमता परीक्षा को लेकर के तैयारी जो है वो काफ़ी जोर शोर से चल रही है। तो ये 4 पॉइंट दिया गया है, ये 24 घंटे के अंदर डिटेल जो है वो देना है इनको। तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।